सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती शुक्रवार को ईडी के बुलावे पर पूछताछ के लिए 12 बजे मुंबई ऑफिस पहुंची। वो रात करीब 8:30 बजे ईडी ऑफिस से बाहर निकली। ईडी ऑफिस में रिया से करीब 8.5 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। इस दौरान रिया के साथ उनके भाई शोविक चक्रवर्ती, उनके बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के सीए रितेश शाह भी बयान के लिए गए थे। जांच में पता चला है कि ईडी को रिया से कुछ विशेष जानकारी हासिल नहीं हो सकी, इसलिए रिया को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सूत्रों से जानकारी मिली कि ईडी के द्वारा की गई पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने पूरा सहयोग नहीं किया। उनसे कोई भी सवाल पूछा जा रहा था तो वो बहाने बना रही थी। इसके अलावा जब उनके कुछ डिटेल्स मांगी तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है। वो अपने साथ अपने खार और नई मुंबई के फ्लैट्स के कागजात लेकर भी नहीं गई थी। वो ईडी को अपने खर्च का ब्योरा देने में भी असफल रही। ईडी ने रिया से उनका 5 साल का आयकर का ब्योरा भी मांगा है। अब तक सामने आए उनके आयकर ब्योरे के मुताबिक 2018 और 2019 में उनकी इनकम 10 से 14 लाख के बीच में बताई जा रही है। जब रिया ईडी दफ्तर के बाहर निकली तो उनसे मीडिया ने उन पर लगे आरोपों पर कई जवाब जानना चाहा, पर रिया ने कोई जवाब दिए बिना ही आगे निकल गई। इसके अलावा ईडी ने आज सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी इससे पहले सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए रहे संदीप श्रीधर और रिया चक्रवर्ती के सीए रितेश शाह से भी पूछताछ कर चुके हैं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट लाइन लाइव रिपोर्ट्स।